और इसके साथ ये लिखा हुआ है स्टाफ का डंडा लगा हुआ है बकायदा। तो जब आप लोगों ने जिस स्टाफ पे उतरना ना, आप लोग मतलब इधर स्टाफ का बटन बताता हूँ अब कि आपने कार्ड में कैसे बैलेंस अपना चेक करना है, और अगर आपने मतलब ज़्यादा अमाउंट भरनी है तो फिर आपने कैसे भरनी है। आज हमारी जो रूटीन थी वो टोटल मेट्रो के बारे में थी, मेट्रो में सफ़र किया, सब कुछ किया। अभी ये कार्ड मार के चेक करते हैं, सिर्फ जस्ट ये इसमें कार्ड डालेंगे अपना ऐसे, तो ये आगे आ जाएगा। कितने रियाल पड़े हैं जी? 6 रियाल पड़े हुए हैं। अब जितना हम लोगों ने बैलेंस डालना है उस पर करना है टॉप अप कार्ड। तो 10, 20, 30, 50, 100, 200 जितना आप लोगों ने मतलब डालना है ना, 10 किए हैं, अब ये 10 रियाल इसमें डाल दिए तो ये आगे आ जाता है कि आपका ये आ गया है। तो अब वो नीचे आएगा कि आपने अपनी मतलब रसीद लेनी चाह रहे हैं कि नहीं लेनी चाह रहे, ये आ गया। तो हम लोग कर रहे हैं नो, हमने नो कर दिया। अब हमारा उसने थैंक्स बोल दिया, तो अब दोबारा हम लोग बैलेंस चेक करते हैं कितना बैलेंस है इसके अंदर। वो आ गया, कितना हो गया? 16 रियाल बैलेंस हो गया। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मज़ेदारी के साथ इधर बंदा खड़ा होकर भी मेरे ख्याल से बना सकता है मूवी वगैरह। स्पीड भी कतर में हम बच्चे ही हैं, जैसे वो बंदा नया पैदा होता है तो वो घूमता फिरता, उसको मतलब जगह का पता चलता है, ऐसे ही हम लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम सब नो, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो सब मेरे बहनों भाइयों का क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज हमारा हज का दिन, और सुबह हमारी जो है ईद पाकिस्तान में, परसों है ईद, और मेरी जो है वो इधर है पहली ईद। और मैं अभी जा रहा हूँ अपने ये दोस्त उस्मान भाई के साथ मतलब घूमने फिरने। मैंने बोला कि आगे पीछे सैर सपाटा करके आए, बाकी सारे बंदे छुट्टियों पे चले गए, हम लोग इधर बोर हो रहे हैं, तो हम लोग अब जाने लगे हैं घूमने फिरने। अभी मेट्रो का जो बस है मेन फादर जिसको बोलते हैं, वो आ रहा है, आएगा, उसमें हम कार्ड जो अपना वो पंच करेंगे, बैठ के वो हमें लेके जाएगा स्टेशन पर, स्टेशन से फिर हम बैठेंगे मेट्रो में। फिर मेरे ख्याल से मैं भी, मेरा दिल कर रहा है आल वकरा या दोहा जाने को। तो बाकी अब पता नहीं उधर जाके सलाह बनती है मेट्रो स्टेशन पर कि किस तरफ हम लोग जाते हैं। हमसे मतलब ये 10 मिनट की दूरी पर है ये रोड जिस पे आना है बस के उसने स्टाफ ने, तो वो आता है तो फिर हम लोग जाते हैं घूमने फिरने। तो बाकी मज़ीद आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना, ताकि नेक्स्ट जो भी व्लॉग आए वो आपकी नज़र में आए और इन्जॉयमेंट हो। ये गाड़ी आ गई, इधर हम लोग अपना वॉयलेट पंच लग गया, तो अब हमारी जो गाड़ी है वो चलने लगी है। हम लोग बैठ जाते हैं इधर अपने पास, इधर सिर्फ हम दो ही बंदे हैं, बाकी सारी गाड़ी खाली पड़ी हुई है। तो ये ड्राइवर है और ये हम लोग जा रहे हैं। तो बाकी अब जाके मेट्रो पे आगे पीछे जाएंगे, घूमे फिरेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कौन सी जगह जा रहे हैं, लोकेशन बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी जगह खाली पड़ी हुई हैं, और ये है बड़े बंदों के लिए। तो ये जिधर आज हम लोग बैठे हुए हैं ना, हमारी उस्मान भाई बैठे हैं साथ में, मैं बैठा हूँ फ्रंट वाले, ये बच्चों वाली सीट है, इस पे आज हम लोग बैठे हुए हैं। मैंने बोला आज कतर में हम बच्चे ही हैं, जैसे वो बंदा नया पैदा होता है तो वो घूमता फिरता है, उसको मतलब जगह का पता चलता है, ऐसे ही हम लोग हैं, हम भी आजकल बच्चे बने हुए हैं बस। और ये कतर यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिधर हम खड़े थे उधर से लेके मतलब एंड तक यही चल रही है कतर यूनिवर्सिटी। तो जो स्टेशन आएगा वो भी यही आएगा कतर यूनिवर्सिटी, उधर लिखा होगा स्टेशन पर कतर यूनिवर्सिटी का स्टेशन। तो हमारा में भी मेरे ख्याल से 2-3 मिनट का रास्ता रह गया, तो बाकी फिर आगे चलते हैं अल वकरा या दोहा, जिस साइड भी गए फिर मज़ीद व्लॉग वगैरह अपडेट करते हैं। ये हम लोग घूमते फिरते 2-3 इशारे क्रॉस कर गए, तो आगे मेट्रो स्टेशन। इधर यार स्टेशन बहुत प्यारा बना हुआ है, स्टेशन की मैंने वीडियो डाली थी लास्ट टाइम, आप लोगों ने देखा भी था। तो ये स्टेशन आ गया, तो रश बिल्कुल भी मेरे ख्याल से कोई नहीं है। तो अब चलते हैं बाहर, आज पे बंदे गए हुए हैं बहुत ज़्यादा, मतलब सहूलत बनी हुई है। थैंक यू भैया, ये डोर ओपन और हम लोग चले बाहर। तो ये आप लोग बस देखें पीछे से मतलब कैसी बनी हुई है, एक 148 नंबर है जो हमारे स्टाफ तक हमें लेके जाती है और लेके आती है। तो ये भी मेट्रो नहीं है, मेट्रो अभी ऊपर इसके चलेगी, मेट्रो जो है वो फुल VIP है एंड फुल मज़ेदार है, अभी वाली है, बहुत मतलब इंजॉयमेंट वाली है। आज फर्स्ट टाइम मेट्रो पर बैठते हैं तो चेक करते हैं भला। ये लिफ्ट है जनाब, इस पर ऐसे पाँव रखें ना ऐसे, तो ये चल पड़ती है। हाँ ये चल पड़ी है, वो बंदा जा रहा है, उसको थोड़ी बहुत जल्दी है। ये उस्मान भाई भी फुल इंजॉयमेंट करते हुए हमारे साथ साथ, तो हम लोग भी ऐसे चल के देखते हैं। ये देखें हम भी चल रहे हैं, भैया जी इस पर चल भी सकते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी ना लो है, थोड़ी ज़्यादा स्पीड होगी तो फिर नहीं चलने होता है। तो ये इसको करते हैं इधर पुश, मेरे ख्याल से करना है ऐसे। ये हमारे जनाब 2 रियाल जो है वो लग गए,
8 रियाल बाकी रह गए और दोहा के लिए उसने बोला कि ये जो साइड है ये दोहा जा रही है। तो अब हम लोग चलते हैं दोहा, आगे लिफ्ट 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 है। तो इधर इतना कूल माहौल है जिसका कोई हिसाब नहीं, ठंडी बर्फ हर चीज़ हुई पड़ी है एसीओ की वजह से। तो हम लोगों ने आज कैप कूप पहने, न्यू कपड़े पहने, आपके भाई ने फुल वीआईपी अंडा पीस बच्चा लग रहा है। हाँ, तो बाकी हम लोग फिर घूमने फिरने चलते हैं दोहा में। आज चेक करते हैं दोहा में है क्या, क्यों इतनी दुनिया कतर में आती है और क्यों इतनी दुनिया बोल दिया दोहा दोहा है दोहा दोहा है। ये मेट्रो आ गई, बहुत ही प्यारी आ गई मेट्रो। इसका गेट हो गया बंद, क्लोज डोर होने लगा है एंड ये सीटें बनी हुई है। हम लोग इधर बैठते हैं, भला ये हम लोग बैठ गए और अब हम लोग जाएंगे मतलब घूमने फिरने दोहा। DCC दिखा होगा जिस साइड पे, उस स्टॉप पे हम लोग उतरेंगे। तो मेट्रो जो है वो बहुत प्यारी बनी हुई है, खूबसूरत बनी हुई है। दो बंदे आगे बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से चलाने वाले और पीछे देखे हलम हली पड़ी हुई है सारी। तो इसके साइड साइड पे ये सारा लिखा हुआ है, वो मतलब सीट बेल्ट वगैरह ये वो सब कुछ लिखा हुआ है और वो सब ला जा रही सारी फुल मज़ेदारी के साथ। इधर बंदा खड़ा होकर भी मेरे ख्याल से बना सकता है मूवी वगैरह। स्पीड भी इसकी अच्छी भली है, आवाज़ भी आने लग गई है, साउंडिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। तो मेट्रो में मैं फर्स्ट टाइम इधर बैठा, इधर भी एसी लगे हुए हैं फुल माहौल के साथ। वो सामने बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, कैसा इसका रोड बने हुए हैं देखने वाले हैं। ऐसे ऐसे रोड बने हुए हैं इसके, बिल्कुल मुख्तलिफ रोड है पाकिस्तान की नस्बत। इधर वो ट्रेन की पटरियाँ बनी हुई हैं, तो वो सामने आगे मतलब सिटी चल रही है दोहा वाली आई थिंक। ये इसकी जो गाड़ी है ये जा रही है DCCC, ये इधर पहुंचने वाली है। ये तीर का निशान आ रहा है, मतलब ये जो तीर का निशान है ये DCCC जा रही है आगे कॉर्नर पे। इसके रोड बने हुए हैं, इसके बड़े VIP रोड बने हुए हैं। ये इसका गेट है, इसके ऊपर वो कॉर्नर का कॉर्नर आ गया ना। हाँ, अब हम लोग उतर गए। चलो अब हम लोग कॉर्नर पे उतर गए, ये अभी एक मिनट स्टॉप हो रहे तो फिर हम लोग उतर। इसे अब हमने किस तरफ जाना है, इस तरफ ठीक है। थैंक यू भैया। तो ये इसका डोर हो गया ओपन, तो हम लोग आ गए बाहर। तो ये मेट्रो जो है बहुत हैवी किस्म की थी, हम लोग बाहर इतना रश हो गया, जब हम लोग बैठे तब तो रश नहीं था लेकिन अब जो है वो रश बहुत आ गया। तो अब हम पता नहीं किस तरफ जाते हैं, हमें ये भी नहीं मालूम भैया। इधर भी गाड़ी आएगी और इस तरफ भी गाड़ी आएगी। उसने यही बोला कि मतलब अगर इधर आपने निकले हो ना, आप लोग वापस जाना है तो फिर आपने वो पंच नहीं करना। बंदे सारे ऊपर जा रहे हैं, हम भी ऊपर जाना होगा भैया। मेट्रो से बाहर के लिए ये पंच मारा तो ये हमारे वो 8 का 8 ही बैलेंस है, मतलब लगे नहीं है आप पैसे। वो 2 रियाल में हम लोग इधर आए हैं, तो 2 रियाल में इधर आए हैं, तो अब हम लोग निकलने लगे हैं बाहर की तरफ। तो हम लोग उतरे हैं कॉर्नर पे, दोहा नहीं गए, कॉर्नर पे उतरे हैं ताकि इधर जो बीच है बीच वो देख ले, घूम फिर ले। कुछ बंदे बोलते हैं भैया दोहा में चलो, कुछ बंदे बोलते हैं भैया कॉर्नर पे चलो, कॉर्नर पे उधर जो है वो मतलब आप लोग घूमो फिरो। तो फिर आप लोग अगर ज़्यादा उससे अभी थोड़ा घूमना फिरना चाहते हो तो फिर सिटी सेंटर चले जाना। कतर का जो सिटी सेंटर है वो भी फुल है, अभी है बहुत ज़्यादा अभी है। तो इसका ये देखे कितना ज़्यादा मतलब बड़ा बड़ा बना हुआ है इसका सारा। ये हमारे उस्मान भाई फुल इंजॉय माहौल में। तो लिफ्ट ऐसे सो ऐसे, तो कैसे कैसे लिफ्टें जा रही हैं, मतलब इधर कोई टेंशन परेशानी नहीं है बिजली वगैरह की। लिफ्ट 24 घंटे चलती ही रहती है जब तक ये मेट्रो चलती है, ठीक है। तो रश नहीं भी है, लिफ्टें फिर भी चल रही हैं। तो हमारे मतलब क्या होता है जब मतलब गाड़ी वगैरह नहीं होती, टाइम क्लोज होता है, टाइम क्लोज में तो हर ये भी बंद होती होंगी, लेकिन ये कि ये ज़्यादातर चलती रहती हैं। एक उतर के आई है दूसरी पे, अब आए अब फिर इससे ऊपर तीसरी पे जाना है। मेट्रो मतलब इस तरह उन्होंने नीचे को बनाई हुई है, समझ नहीं आती है। तो साथ में ये पौड़ियाँ भी हैं, सीढ़ियाँ भी, अगर आप लोग मतलब इसको ये ऑफ हो फिर भी आप लोग मतलब कर सकते हो ये यूज़। तो ये आगे अब पता नहीं किस कंट्री के हमारे लड़के हैं, इनसे हमने थोड़ी बहुत गपशप लगाई, पूछा खींचा। तो ये हमारी तीसरी चल रही है जो है वो मतलब लिफ्ट चल रही है, 1, 2 और 3 इससे फिर अब हम एग्जिट होंगे तो फिर हम लोग कॉर्निश पे पता पता करके वो चलते हैं कॉर्निश पे। ये आ गए हम दोबारा मेट्रो में, हम दोबारा मेट्रो में आ गए भैया जी, दोबारा मेट्रो में आ गए। अब हम जाने लगे हैं वापसी की तैयारी पे। तो वापसी का सफ़र अब हमारा स्टार्ट, बड़ा घूम फिर लिया, बहुत थकावट कर ली, तो अब वापसी जाते हैं और समुद्र सोएंगे और सुबह फजर के टाइम ईद की नमाज अदा करेंगे, ठीक है। ये दरवाज़ा क्लोज होने लगा है, 3, 2, 1, गो।
हाँ जी ठीक हो गया, ये दरवाज़ा क्लोज हो गया, अब ये चलेगी और बाकी आपने चलती तो देख ली किस तरफ चलती है और जाती है, तो अब हम लोग जा रहे हैं। इधर हम लोग उतरे, इधर से हम लोग चलते चलते इधर गए, बंदे ने गलती से हमें इधर उतरवा दिया, फिर हम इधर गए, तो इधर से अब हमने वो बीच बूच के वो क्या था वो सिटी सेंटर, सिटी सेंटर सारा घूम फिर के, तो अब हम लोग इधर से बैठे गाड़ी पे, TCCC से बैठे गाड़ी पे, हाँ तो फिर वो कतारा बीच वगैरह ये सारी गुजर के अब ये जा रही है, तो ये जामिया कतर पे हम लोगों ने उतरना है। ठीक है, तो अब जो हमारा सफ़र है वो बिल्कुल एंड का रह गया, आखिरी एक मिनट का तकरीबन सफ़र है, तो बाकी इंशाल्लाह कल जो है ना कल फिर कहीं निकलेंगे, कल किसी दूसरे रूट की सलाह करेंगे। तो बाकी मज़ा बहुत आया लेकिन थकावट बहुत हो गई, तो बाकी जितने बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब बंदे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, आई रिक्वेस्ट यू। हम लोग मेट्रो से उतरे हुए, वो मेट्रो चली गई और अब हम लोग लिफ्ट पे फिर दोबारा अपना जो रूट है उस पर जा रहे हैं, और इधर 148 पे बैठते हैं तो चले जाते हैं। अरे मैं आपको बताता हूँ अब कि आपने कार्ड में कैसे बैलेंस अपना चेक करना है, और अगर आपने मतलब ज़्यादा अमाउंट भरनी है तो फिर आपने कैसे भरनी है। आज हमारी जो रूटीन थी वो टोटल मेट्रो के बारे में थी, मेट्रो में सफ़र किया सब कुछ किया, अभी ये कार्ड मार के चेक करते हैं, सिर्फ जस्ट ये इसमें कार्ड डालेंगे अपना ऐसे तो ये आगे आ जाएगा। कितने रियाल पड़े हैं जी? 6 रियाल पड़े हुए हैं। अब जितना हम लोगों ने बैलेंस डालना है उस पर करना है टॉप अप कार्ड, तो 10, 20, 30, 50, 100, 200 जितना आप लोगों ने मतलब डालना है ना, 10 किए हैं, अब ये 10 रियाल इसमें डाल दिए तो ये आगे आ जाता है कि आपका ये आ गया है, तो अब वो नीचे आएगा कि आपने अपनी मतलब रसीद लेनी चाह रहे हैं कि नहीं लेनी चाह रहे, ये आ गया, तो हम लोग कर रहे हैं नो, हमने नो कर दिया, अब हमारा उसने थैंक्स बोल दिया, तो अब दोबारा हम लोग बैलेंस चेक करते हैं कितना बैलेंस है इसके अंदर। वो आ गया, कितना हो गया? 16 रियाल बैलेंस हो गया। ठीक है, ये इसके अंदर हम लोग होते हैं इंटर, अपना वॉलेट निकाल लिया, ये मेट्रो कार्ड इसको ऐसे करते हैं पंच, तो ये हमारी हो गया इंट्री। अब हम लोग मतलब ये गाड़ी जो है ना तकरीबन रहती खाली है, हर टाइम रहती खाली है, तो ये भाई 104 जो स्टाफ है इस पर हम लोगों ने उतरना है, तो और इसके साथ ये लिखा हुआ है स्टाफ का डंडा लगा हुआ है बाकायदा, तो जब आप लोगों ने जिस स्टाफ पे उतरना ना आप लोग मतलब इधर स्टाफ का बटन प्रेस करो तो ये उधर गाड़ी रुक जाएगी उस स्टाफ पे। ठीक है, तो हमारा अब स्टाफ आ गया, हम लोगों ने इधर जो है ना वो उतरना है।